तमाम कितनी कितनी हिम्मत जुटाकर गए रहे माली दीदी के घर उनसे मिले खातिर, पर हुआ नहीं थी। हम दोबारा होती हिम्मत कैसे जुटाई है, कैसे रुका वो दिखाई है। जिया बेटिया तो काके लिए कुछ नहीं करेगी पड़ी, आदित्य बाबू तो हर हिम्मत बने। वैसे क्या कहा उन्होंने इस बारे में? इले पानी पी। बाबू साहब से कुछ बोले नहीं, बस माली दीदी को ढूंढे खातिर निकल गए। रिया तुमने कितनी बार बोला है आदित्य बाबू को बिना बताए घर से बाहर नहीं निकला कर, तुमका कितनी चिंता होत हुई है तोरी। इमली I'm sorry, मैं आप लोगों को बिना बताए चला है। चाची ने बताया था कि आप लोग यहाँ पे रुके हुए, वो मैं इमली को लेने आया हूँ। क्या हुआ, क्या बात है, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है इमली, आदि की बहुत तबीयत खराब, उसको बहुत तेज बुखार है और तुम्हें याद कर रहा। प्लीज मेरे साथ चलो। चलिए जी, नमस्ते। आदि ने खाना खाया है? उसने मुझे लगा माली नहीं आई है। आदि कैसा है अभी? डॉक्टर दवा देके गया है लेकिन वो खाना खाने के बाद खानी है, पर आदि कुछ भी खाने से मना कर रहा है। रोटी कब से कोशिश कर रही है पर पता नहीं आदि को क्या हो गया है, वो इतना परेशान क्यों हो रहा है? अगर उसे मालिनी की याद आ रही थी तो उससे बात कर लेता ना। क्या हो गया आप लोगों को, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे निशु, आदि मालिनी को यहाँ इतने प्यार से लेकर आया था, मगर शायद मेरा ही बर्ताव इतना खराब था और मालिनी को इतना बुरा लगा कि वो किसी को बिना बताए यहाँ से चली गई और उसी के बाद आदि की ये हालत हुई है। बेचारा बेहोशी में भी बस वापस आ जाओ यही कह जा रहा है। चाची आदि मालिनी को मैंने फोन कर दिया है मालिनी को, बहुत रिक्वेस्ट किया उससे यहाँ जाने के लिए और उसने कहा है वो आ रही, बस पहुंचती हूँ। आप लोगों ने मालिनी को बुला लिया? हाँ। खाना नहीं खा रहा मत खा, एटलीस्ट पट्टी तो करवा ले। मैंने कहा ना हमें नहीं चाहिए। भाई ऐसे कैसे ठीक होगा? तो हमें नहीं ठीक, वापस नहीं आती, हम ठीक नहीं होंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाबू साहेब थैंक गॉड तू आ गई इमली, हद करती है तू, किसी और के लिए अपना रिश्ता भुलाया जाता है क्या? देख तेरे साथ पहले जो भी हुआ लेकिन तेरा आज तेरा आने वाला कल आदि भाई के साथ और तू इन्हीं को छोड़कर चली गई थी। आदि भाई ने ना खाया ना कुछ, इन्हें लगा तू फिर से सब छोड़ छाड़ कर गांव चली गई। उनका कुछ समझ नहीं आ रहा, हम बस अम्मा और दद्दा के पास गए रहे। अब तू आदि भाई का ख्याल रख, इसे तेरी बहुत जरूरत है। अरे आप लोगों ने मालिनी को क्यों बुला लिया? हम लोग तो हैं ना यहाँ पे। अरे बेटा तू हम सब पे क्यों भड़क रहा है? अब जब आदि उसे ही याद कर रहा था तो और किसे बुलाते? रुपी
रुपी बेटा कैसा है आदि, खाया उसने कुछ? नहीं चाची, अभी तक तो नहीं खाया, लेकिन अब खा लेगा। नहीं खाएगा वो, मैं जानती हूँ उसे ना, मुझे ही जाना पड़ेगा, उसके कान खींच के खिला। नहीं नहीं चाची, आपकी जरूरत नहीं है। क्यों ना जाए? माली तुम आ गई? हाँ आदित्य, आप कैसे हैं? अभी भी उनकी तबीयत खराब है। हम बुखार रहे उसे बहुत तेज, और कुछ खाया भी नहीं है उसने, बस बेहोशी की हालत में यही कह जा रहा है वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तुम्हें याद कर रहा है वो मालिनी? तुम भी जाके उसे कुछ खाना खिलाओ, वो कब से तुम्हें याद कर रहा है, प्लीज। जी पापा आप फिक्र मत कीजिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं अभी देख के आती हूँ। मालिनी आप अभी अंदर जाएंगे? कैसी बातें कर रहा है निशु, अभी नहीं जाएगी तो कब जाएगी? तुम इस बातों पर ध्यान मत दो, तुम जाओ ना जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो, प्लीज आदि के पास जाओ। बाबू साहेब कहा है ये सब? बस कुछ घंटों के खातिर बाहर कहा गया, आप ही का हाल बना लिए। हमें क्या पता तुम कुछ घंटों के लिए गई हो या हमेशा के लिए चली गई हो, तुम तो हमें कभी कुछ बता कर नहीं जाती, हमें लगा तुम हमें छोड़कर चली गई, हमें लगा तुमने फिर से औरों की वजह से हमारा रिश्ता छुटला दिया, हमारे प्यार को एहसान समझ लिया, हमें लगा तुम फिर से कहोगी कि हम तुम पर तरस खाते हैं, हम फिर से मालिनी के पास चले जाए, क्या है ना कि हम बहुत थक गए होली, बहुत थक गए, क्योंकि किसी को विश्वास दिलाने की कोशिश तब तक की जा सकती है जब कोई विश्वास करने को तैयार हो, लेकिन अगर तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं है तो हम क्या कर? आपका आप पर पूरा भरोसा है बाबू साहेब? नहीं है। आपको बिना बताए जाना हमारी गलती रही, हम माना थे, माफ कर दीजिए ना प्लीज, प्लीज कुछ चुका लीजिए। आदित्य ने मुझे क्यों बुलाया होगा, सिर्फ दोस्ती के नाते? ऑब्वियसली 7 साल का साथ कोई ऐसे ही नहीं भुला सकता, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता ना। और हम कुछ दिन में वापस आ ही जाते रहे ना, पर अगर अब आप ट्राई खाइए ना तो हम सच्ची में चले जाएंगे। तो चली जाओ, जाओ चली जाओ, इस बार हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। कुछ घंटों के लिए जाकर देख लिया, अब हमेशा के लिए चली जाओगी तो उसके बाद समझ लेना क्या होगा। आप उसे बकवास काहे कर रहे थे, अब खा लीजिए ना। हम बकवास नहीं कर रहे, तुम बेवकूफी कर रही हो इमली, ये समय एक दूसरे का साथ देने का है, अपनी फैमिली को सब कुछ सच बताने का समय है इमली। इस सब माँ हम ये भूल जाए कि मालिनी दीदी भी हमारी फैमिली है। ये भूल जाए कि हमारी वजह से हमारी बड़ी बहन का घर उजड़ गया। तुम्हारी बड़ी बहन का घर तुम्हारी वजह से नहीं उजड़ा है, मालिनी खुद हम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, हमारी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। मालिनी खुद ये कह चुकी है, हम कह चुके हैं, तुम ही नहीं मान रही हो। शायद हम कहीं माने में देर ला गए थे, बीमारी में बेहोशी में उन्होंने मेरा ही नाम क्यों लिया होगा? ऐसे वक्त पे हम सिर्फ उसी को याद करते हैं जो हमारी सबसे क्लोज हो, तो अगर आदित्य ने मुझे बुलाया है तो क्या वो अब भी मुझसे? पर आप दवाई खाए मैं देर मत करिए ना प्लीज, लेकिन दवाई खाए के खातिर थोड़ा सा खा लीजिए। खा लेंगे, हम तुम्हारे हाथ से नहीं खाएंगे, हम अपने हाथ से खाएंगे।